20 छक्के 31 चौके, सिर्फ 51 गेंद में बना डाले 244 रन। सूर्या की तपिश से मुरझाई लंका, हार्दिक की युवा फौज ने बचा दिया टंका। सूर्या ने तो कमाल ही कर दिया, 16 गेंदों में 82 जड़ दिया। उमरान की रफ्तार ने श्रीलंका को गिरफ्तार कर दिया। सीनियर टीम को एशिया कप में मिली हार का बदला चुकाया, सीरीज में इन तीन युवाओं का तूफान आया, इन्होंने ही बदला पूरा कराया। हार्दिक ने यंगिस्तान का दम दिखाया, वर्ल्ड कप की जीत का सपना जगाया। जी शायद इसी वजह से कहा जा रहा था कि T20 की टीम हार्दिक पांड्या के हवाले कर दीजिए और हार्दिक पांड्या यंगिस्तान के साथ इस टीम को आगे बढ़ाए, ताकि ये पता तो चल पाए कि यंगिस्तान में दम कितना है। जैसे ही हार्दिक पांड्या को यंगिस्तान की टीम सौंपी गई, उन्होंने पहली सीरीज में यह साबित करके दिखा दिया कि लगातार बीते 2 साल से हम T20 फॉर्मेट में गलती पर गलती कर रहे थे। यही फैसला पहले ले लिया होता तो आज हम शायद वर्ल्ड कप जीत चुके होते, लेकिन वो तो पुरानी बात है। आज की बात यह है कि हमने एशिया कप चैंपियंस को हरा दिया है और एशिया कप में हमारी सीनियर टीम को मिली हार का युवा टीम ने बदला चुका लिया है। वो श्रीलंका जिसने बुरी तरीके से हमें एशिया कप में हराया था, और न सिर्फ हमें हराया था बल्कि पाकिस्तान को भी हराकर एशिया कप का खिताब जीता था, उस श्रीलंका को हमारी यंग टीम ने, हमारी युवा टीम ने पैरों तले रौंद दिया और तीसरे T20 में श्रीलंका की एक तरफा हार हुई है। इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से 3 खिलाड़ी थे जो सबसे ज्यादा चमके हैं, और इन्हीं 3 की बदौलत टीम इंडिया श्रीलंका से T20 सीरीज जीत पाई है। वो श्रीलंका जो दूसरे T20 को जीतने के बाद बहुत ज्यादा उछल रही थी, उस श्रीलंका को आज टीम इंडिया ने अपने घर पर नागिन डांस कराया है। पहले सूर्य कुमार यादव का तूफान आया, उसके बाद गेंदबाजों ने कहर मचाया। श्रीलंका पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक इस मैच में कहीं था ही नहीं। और बताइए, जो एशिया कप के चैंपियन हो, वो अगर हमारी युवा की टीम के आगे इस तरीके का प्रदर्शन करेगी, मतलब ये है कि हमारी युवा टीम में बहुत दमखम है। और अब इसी टीम ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की जीत का सपना जगा दिया है। तो कौन कौन रहे हमारी सीरीज के 3 बड़े हीरो, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि आज के मैच के तो सबसे बड़े हीरो सूर्य कुमार यादव ही हैं। उन्होंने अगर 112 ना बनाए होते, टीम इंडिया 228 तक ना पहुंचती और ना ही हमारे गेंदबाज विकेट ले पाते। सूर्य कुमार यादव के बाद गेंदबाजी में भी हमारे गेंदबाजों ने कहर मचा दिया। अर्शदीप ने, उमरान मलिक ने, अक्षर पटेल ने, हार्दिक पांड्या ने, सबने कुल मिलाकर श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और श्रीलंका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन सब के ऊपर टीम इंडिया के सीरीज के 3 हीरो हैं, जिनकी वजह से टीम इंडिया एशिया कप की हार का बदला ले पाई। इसमें सबसे बड़े हीरो हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने इस पूरी सीरीज में 3 मैचों में 85 के शानदार औसत और 175 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 170 रन ठोक डाले। इनमें से सबसे बड़ी पारी तो आज आई, जिसमें अकेले उन्होंने 51 गेंदों पर नाबाद 112 रन ठोक दिए। इस वजह से सूर्य कुमार यादव इस सीरीज के नंबर 1 टीम इंडिया के हीरो रहेंगे। सीरीज के हीरो नंबर 2 रहेंगे उमरान मलिक। जी अपनी पहली ही सीरीज में उमरान मलिक ने जिस तरीके की तूफानी गेंदबाजी की है, हार्दिक पांडे ने लगातार उनको 3 मैचों में मौका दिया और उमरान मलिक ने 7 विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि वो इस मौके के हकदार थे और वो बड़ी टूर्नामेंट में बड़ी टीम के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। उमरान मलिक ने न सिर्फ टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए, बल्कि इस पूरी सीरीज में श्रीलंका के गेंदबाजों को भी पछाड़ दिया और सीरीज के टॉप बॉलर रहे। इस वजह से उमरान मलिक इस सीरीज के दूसरे हीरो रहेंगे। नंबर 3 पर रहेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने न सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजी दोनों से कहर पर पाया। अक्षर पटेल ने 3 मैचों में बल्ले से 117 की औसत से 117 रन बनाए और इसके अलावा 3 विकेट भी चटकाए। अक्षर पटेल की वजह से हम पहला T20 और इसके बाद तीसरा T20 जीत पाए और इसी वजह से हम सीरीज जीत पाए। तीसरे T20 में कुल मिलाकर टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों के बहुत बड़े अंतर से हराया है और श्रीलंका से एशिया कप की हार का बदला चुकाया है। कैसी लगी आपको टीम इंडिया की यह जीत, कमेंट करके बताइए, और आपकी जीत के कौन कौन से हीरो रहेंगे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।